देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के मुख्य समाचारों में हम जानेंगे, समय से पहले लोकसभा चुनाव वाले बयान के बाद सीएम नीतीश कुमार ने क्या दी है सफाई। डब्ल्यूटीसी के फाइनल में न खिलाने पर स्पिनर गेंदबाज आर अश्विन ने क्या लगाए हैं आरोप। बात करेंगे विपक्षी एकता का फॉर्मूला क्यों होता जा रहा है फ्लोप। और अंत में हम जानेंगे चक्रवात तूफान के कारण राजस्थान में क्या बना हुआ है माहौल। लेकिन तमाम छोटी बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा जिनका कोई इतिहास नहीं वो दूसरों का इतिहास मिटा रहे हैं। गुजरात में देखा गया विपरजॉय तूफान का कहर, राज्य के 940 गांवों की बिजली हुई गुल और 22 लोग हुए घायल। बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर ठग सुकेश चंद्रशेखर ने रेल मंत्री को लिखा पत्र, कहा हादसे में पीड़ितों को 10 करोड़ की देना चाहता हूँ मदद। पीएम मोदी के 22 जून वाले अमेरिकी दौरे को लेकर यूएस सांसद अमी बेरा ने कहा कि भारत अमेरिका के संबंधों को आगे बढ़ाने का यह अच्छा अवसर है। एक बार फिर इतिहास रचने के लिए तैयार हुआ इसरो, चंद्रयान 3 को लेकर करीब 4 लाख किलोमीटर दूर चांद पर जाएगा इसरो निर्मित बाहुबली। गुजरात में विपरजॉय तूफान से हुए नुकसान का सीएम भूपेंद्र भाई पटेल ने स्टेटस, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पहुंच लिया जायजा। मणिपुर में केंद्रीय मंत्री के घर पर हुए हमले को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने व्यक्त की चिंता, कहा मणिपुर की स्थिति पर पूरा देश चिंतित। कर्नाटक में प्रशासन में हुआ फेरबदल, 10 आईएएस अफसरों का किया गया तबादला। योग दिवस को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया मेगा प्लान, सभी सांसद और विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में बड़ा आयोजन करने के लिए दिए गए निर्देश। लैंडफॉल के बाद चक्रवात विपरजॉय ने नॉर्थ गुजरात और राजस्थान में की एंट्री। सप्ताह के अंतिम दिन भारतीय शेयर बाजार में आई उछाल, सेंसेक्स 466 अंकों की तेजी के साथ 63,384 पर रुका, तो वहीं निफ्टी 137 अंकों की उछाल के साथ 18,826 पर बंद हुआ। ये तो थी सुर्खियां, आप चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। समय से पहले लोकसभा चुनाव वाले बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने दी सफाई, कहा हम तो ऐसे ही कह रहे थे, जब हम अटल बिहारी वाजपेयी के साथ थे तो 2-3 बार ऐसा हुआ था। दरअसल कुछ दिनों पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र की सरकार समय से पूर्व भी लोकसभा चुनाव करवा सकती है। जब इस बात से सियासत गर्मा गई तो नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने सफाई दी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने सभी सहयोगियों को अलर्ट किया था कि सत्ता में बैठी पार्टी को अगर पूर्ण बहुमत है तो वह समय से पहले चुनाव कराने का निर्णय ले सकती है। हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि केंद्र सरकार समय से पूर्व चुनाव कराने जा रही है। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि जब हम अटल बिहारी वाजपेयी के साथ थे तब 2-3 महीने पहले ही चुनाव करवाए गए थे। हालांकि अटल जी नहीं चाहते थे कि समय से पहले चुनाव हो। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा, देखिए इन दिनों विपक्षी एकता के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे में हो सकता है कि उन लोगों को लगे कि हम लोग मिलकर आगे बहुत उथल पुथल करेंगे तो ज्यादा नुकसान होगा, ऐसे स्थिति में ये लोग पहले भी चुनाव करवा सकते हैं। हम तो ऐसे ही कह रहे थे, ये थोड़े ही कह रहे थे कि वो लोग पहले चुनाव करवा ही देंगे। मेरे कहने का मकसद था कि इसकी संभावना हमेशा रहती है, संभावना तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलने की स्पिनर गेंदबाज आर अश्विन की भी थी, लेकिन उन्हें टीम में लेने के बाद उसकी संभावना धरी की धरी रह गई। हालांकि प्लेइंग 11 में शामिल न करने पर उन्होंने एक इंटरव्यू के जरिए अपना दर्द बयां भी किया। देखिए ये रिपोर्ट। डब्ल्यूटीसी के फाइनल में न खिलाने पर भारतीय गेंदबाज आर अश्विन ने तोड़ी चुप्पी, कहा मैं खेलना चाहता था लेकिन कोच और कप्तान का नजरिया मुझे समझ नहीं आया। दरअसल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की 209 रनों की हार के कुछ दिन बाद गेंदबाज आर अश्विन ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक खास इंटरव्यू में पूरा सच बताया। अश्विन ने बताया कि मैं इस फाइनल मुकाबले में बेशक खेलना चाहता था क्योंकि टीम को यहां तक लाने में मेरा भी योगदान था। मैंने पिछले फाइनल में 4 विकेट भी लिए थे। साल 2018-19 के बाद से विदेश में मेरा प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। मैं फिलहाल न खेल पाया और न ही खिताब हमें मिल पाया। मैं इस फैसले को कोच और कप्तान के नजरिए से देख रहा हूं और उन्हें समझने की कोशिश कर रहा हूं। जब हम 2021 में इंग्लैंड में थे तब भी टीम ने शायद यह मन बना लिया था कि 4 पेसर और 1 स्पिनर ही सफल होंगे, इसलिए मैच शुरू होने से 48 घंटे पहले ही शायद मुझे पता था कि मुझे खेलने का मौका नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से एक इंटरव्यू में आर अश्विन का दर्द दिखाई देता है, उसी प्रकार बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी विपक्षी एकता का डर सताया जा रहा है।
नीतीश कुमार का ये डर इसलिए सता रहा है क्योंकि जो विपक्षी दल थे वो धीरे धीरे अपने आप को किनारे कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के नीतीश कुमार द्वारा विपक्षी एकता का फॉर्मूला धीरे धीरे फ्लॉप होता जा रहा है क्योंकि अब आधा दर्जन से ज्यादा दलों ने नेताओं से पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक से दूरी बना ली है। विपक्षी एकता में अहम माने जाने वाले आम आदमी पार्टी ने बंगाल सीएम ममता बनर्जी से स्पष्ट ढंग से अपनी मांग रखी है, जिसमें उन्होंने कहा है यदि कांग्रेस पंजाब और दिल्ली का मुंह छोड़ दे तो हम मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। इसके अलावा जितेन राम मांझी के बेटे द्वारा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद जेडीयू के ललन सिंह ने भी स्पष्ट कर दिया था कि हम अब विपक्षी एकता के पक्षधर दलों में शामिल नहीं है। इनके अलावा जिन नेताओं ने अपने आप को विपक्षी दलों की एकता से पहले ही अलग कर लिया था उसमें तेलंगाना के सीएम और बीआरएस नेता केसीआर, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, यूपी के पूर्व सीएम मायावती, कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी शामिल है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी बैठक में आने से मना कर दिया है। इन सभी दलों के साइड में होने से नीतीश कुमार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मुश्किलें तो राजस्थान में रहने वाले लोगों की भी बढ़ गई है क्योंकि पिछले दो दिनों से चक्रवात विपर्जोय गुजरात के बाद राजस्थान में तबाही मचा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। चक्रवात विपर्जोय ने गुजरात के बाद अब राजस्थान में तबाही मचानी शुरू कर दी है। इसके लिए मौसम विभाग ने राज्य के कुछ जिलों में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। राजस्थान में इस तूफान के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने कहा कि दक्षिण पश्चिम राजस्थान के बाड़मेर, पाली, सिरोही और जालोर जिले में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अनुमान है। दक्षिण राजस्थान में भारी बारिश और डिप्रेशन मध्य राजस्थान की ओर बढ़ेगा। चक्रवात विक्षोभ में बदलेगा और राजस्थान में बारिश लाएगा। बाड़मेर में अब तक 70 mm बारिश हो चुकी है और यह 200 mm तक जा सकती है। राधेश्याम शर्मा ने आगे कहा कि राजस्थान के कुछ हिस्सों में जल जमाव और अचानक बाढ़ आने की उम्मीद है। इस दौरान हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। राजस्थान में अगर अगले 48 घंटों में बारिश 200 mm को पार करती है तो ये उतनी बारिश होगी जितने की पश्चिम राजस्थान में पूरे एक बरसात के सीजन में होती है। बता दें कि मौसम विभाग ने आज यानी कि 17 जून को बाड़मेर और जोधपुर जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ भीलवाड़ा, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, बीकानेर, नागौर में तेज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इस बीच प्रशासन ने भारी बारिश से प्रभावित लोगों के बचाव के लिए जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर में SDRF की 8 और किशनगढ़, अजमेर में NDRF की 1 कंपनी को तैनात किया है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर समाचार पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।